एक तरफ तेजस्वी ने अपनी दुल्हनिया को अपना बना लिया तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने उनकी शादी के मौके पर एक बड़ी बात कह डाली। चिराग पासवान ने पहले तो उन्हें बधाई दी और साथ ही साथ कहा कि वो मेरे छोटे भाई जैसा है और जब छोटे भाई की शादी हो रही हो तो खुशियां तो घर में आ ही रही हैं। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके, वो एक गृह जीवन में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको, उनके पूरे परिवार को बधाई। आप नए युग के हैं, क्या लगता है धर्म जात पात और धर्म वेद जो है सब मिटा के आगे बढ़ने का नए युग? नहीं, देखिए मैं ईमानदारी से मैं नहीं मानता, मैं हर बार मैं इस बात को मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और खास तौर पर जब ऐसे फैसले होते हैं ये बहुत ही निजी और व्यक्तिगत फैसले हैं, इसमें जात पात धर्म मजहब से जोड़कर इन फैसलों को कतई नहीं देखा जाता। दरअसल तेजस्वी यादव आज सात बंधन में बंद गए हैं। दिल्ली में परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में उन्होंने सात फेरे लिए। तेजस्वी की हो रही शादी पर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि वो चुपचाप नहीं बल्कि डंके की चोट पर शादी करेंगे। इसके साथ ही चिराग ने तेजस्वी यादव को शादी की बधाई दी और कहा कि वो मेरा छोटा भाई है। चिराग ने शादी के मौके पर तेजस्वी और उनके पूरे परिवार को बधाइयां दी। दरअसल तेजस्वी की शादी किसी और धर्म में हुई है। इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि वो जात पात में विश्वास नहीं रखते। चिराग ने कहा कि ऐसे फैसले निजी फैसले होते हैं, इसको जात पात धर्म मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही उनसे जब पूछा गया कि क्या वो भी इस तरीके से गुपचुप शादी करेंगे तो चिराग ने कहा कि वो शादी जब करेंगे तो डंके की चोट पर करेंगे। ये रिपोर्ट मीडिया हलचल। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके, वो एक गृह जीवन में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको, उनके पूरे परिवार को बधाई। आप नए युग के हैं, क्या लगता है धर्म जात पात और धर्म वेद जो है सब मिटा के आगे बढ़ने का नए युग? नहीं, देखिए मैं ईमानदारी से मैं नहीं मानता, मैं हर बार मैं इस बात को मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और खास तौर पर जब ऐसे फैसले होते हैं ये बहुत ही निजी और व्यक्तिगत फैसले हैं, इसमें जात पात धर्म मजहब से जोड़कर इन फैसलों को कतई नहीं देखा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।